हेलो एवरीवन, सो मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए थे, तो मैं जूडियो आई हुई थी क्योंकि जूडियो में इन्होंने कुछ कुछ न्यू लॉन्चेस की हैं स्पेशली मेकअप्स में, जिसमें कि ज्वेलरी कलेक्शन, मेकअप के नए नए लिपस्टिक के शेड्स, नेल पेंट के शेड्स, काफ़ी सारे इन्होंने न्यू लॉन्च किया हुआ है। सो मैं काफ़ी सारा कुछ ट्राई करके देख रही थी क्योंकि हम लिप्स में तो मैंने एक ही कलर लगाया हुआ था, तो मैं कितने ही कलर ट्राई करती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हैंड में लगा लगा के देख रही थी कि कौन सा शेड अच्छा लगेगा। जूडियो की पता है मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि इन लोगों का जो प्राइस रेंज है ऑसम है, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस में आपको मेकअप मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने जो जूडियो की लिपस्टिक उठाया हुआ था 99 का था, सॉरी लिप शेड था, पर इतने प्यारे कलर आए हुए थे, पूरा का पूरा नया कलेक्शन है। और मेकअप रिमूवल का जो टिश्यू पेपर होते हैं ये तो ऑनली ऑन 39 में आता है, और ये 79 में आपको मतलब 79 की रेंज में नेल पेंट वगैरह काफ़ी सारा कुछ मिल जाता है। तो नेल पेंट के भी जो शेड आए हुए थे काफ़ी हद तक, मतलब पूरे न्यू कलेक्शन में आए हुए थे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लाइट कलर पसंद है या किसी को डार्क कलर पसंद है तो उस टाइप के नेल पेंट के शेड्स थे। अगर कुछ शाइनर जैसा कुछ चाहिए तो उस टाइप के भी शेड थे। काफ़ी सारा अच्छा कुछ नेल पेंट आया हुआ था। और जूडियो ही एक ऐसा ब्रांड है जिसमें हम जाके पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें वाली बात हो जाती है गाइज। सो मैंने काफ़ी नेल पेंट भी बहुत सारे ट्राई किया कि अपने नेल्स पे कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर का लगा रही हूँ। ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने हर एक नेल्स में 5 डिफरेंट कलर्स ट्राई किए हुए हैं नेल पेंट के कि मुझे कौन सा लेना है। हम लोग कैसा होता है ना कि हम यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा मतलब देख सकते हैं कि हमको कौन सा अच्छा लगे, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे तो ये सारा यूज़ करके हम नहीं देख सकते। जूडियो में ये बहुत अच्छी बात है कि हम लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो या और भी कोई और चीज़ें हो मेकअप की, हम यूज़ करके देख सकते हैं। उसमें ट्राई मी करके, मतलब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे यूजर्स के लिए प्रोडक्ट रहते हैं कि आप पहले यूज़ कर लो, देन ऊपर से वो शेड आप उठा सकते हो या फिर वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप का यहाँ पर जूडियो में मतलब मुझे इतना पसंद आया। और मुझे कभी भी मेकअप का अगर कुछ प्रोडक्ट लेना होता है तो मैं जूडियो आ जाती हूँ। जूडियो में आप 500 रुपए के अंदर में सारा मेकअप, नेल पेंट, लिपस्टिक, फाउंडेशन सारा कुछ ले सकते हो। और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि हम जब जूडियो विजिट करते हैं तो हमको अगर कुछ नहीं भी लेना होता है तो बट हम कुछ ना कुछ उठा के लाते हैं क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होता है बहुत ज़्यादा। आपको 100 रुपए में भी यहाँ पर चीज़ मिल जाती है, 39 से भी स्टार्टिंग चीज़ मिल जाती है। अब आप बोलेंगे 39 में क्या ही मिलता है, तो 39 में आपको पता है मेकअप रिमूवर का टिश्यू पेपर आते हैं, वो ऑन 39 ऑनवर्ड स्टार्टिंग होता है। मतलब बहुत ज्यादा ही रीजनेबल रेट में इन्होंने रखा हुआ है सारा कुछ। और नेल पेंट आपको बता दूं, मैं नेल पेंट वैसे मतलब मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ नेल पेंट की, और मैंने नेल पेंट से तो मेरा दिमाग हट ही नहीं रहा था। इतने प्यारे प्यारे कलर शेड आए थे। अगर आप पिंक में भी 2 शेड थे, डार्क लाइट, मतलब जितने भी कलर थे उनमें डार्क और लाइट दोनों भी शेड इन्होंने लगाया हुआ था। तो मैं आपको सारे शेड दिखा रही हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने अपने 5 फिंगर्स में 5 डिफरेंट कलर के शेड यूज़ किए हुए हैं। ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और ये ऑलवेयर ग्रीन भी, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। तो मैंने यहाँ के 2 नेल पेंट बाय किए थे, एक ऑलवेयर ग्रीन, एक ऑरेंज। तो ये मुझे 99 का एक नेल पेंट पड़ा था, तो मतलब इतना प्यारा कलर था कि, और इनकी एक और बात होती कि सूख नहीं है जल्दी। इनका जो नेल्स का जो कलर होता है, उन्हें तो क्या होता है ना कि अपन लोग नेल पेंट लगाते हैं और बॉटल को ओपन रख देते तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि लिपस्टिक जो इनकी लिपस्टिक की रेंज आई हुई थी इस बार, ये पूरा पेंसिल स्ट्रक्चर में था। मतलब कि होता है ना कि इतना ज़्यादा इजीली अपन उसको कैरी कर सकते अगर कहीं भी जा रहे तो। और फिर मेरी नज़र पड़ गई थी हेयर बेल्ट पे, तो हेयर बेल्ट इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे गाइस। अंडर 100 रुपीज़ के अंडर के थे ये, और मेरे बालों में अच्छे से लग नहीं रहा था तो मैं थोड़ी मस्ती करने लग गई थी। और इसमें आपको 2-3 कलर मिल जाते हैं हेयर बेल्ट में जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। और नेल पे सॉरी लिपस्टिक के शेड भी इतने अलग अलग आए हुए थे कि आप इजीली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो। और अगर आप कॉम्बो में अगर नेल पेंट देख रहे हो गाइस, तो कॉम्बो के भी नेल पेंट वहां पे रखे हुए थे। कॉम्बो में भी आपको लाइट कलर, डार्क कलर दोनों भी मिल जाएगा। मतलब इतना ज्यादा प्यारा लग रहे थे कलर भी। तो ये जो कॉम्बो वाले कलर थे ओनली 149 में आपको 4 पीस मिल रहे हैं। मतलब भाई कितनी कमाल की डील हो यार, 149 में 4 नेल पेंट। उसके बाद में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आईलाइनर, मस्कारा, काजल, ये सारा कुछ 99 का ही था। जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ 99, 79, मतलब अंडर 100 रुपीज ही था। मतलब 100 रुपए के अंदर क्या ही आता है आज की दुनिया में। और आप देख सकते हो पूरे मेकअप के प्रोडक्ट अगर आपको 100 रुपए के अंदर मिल रही है, आपको 3 लिपस्टिक के शेड मिल रहे थे जिसमें कि सॉरी लिपस्टिक
एक आई शेड, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और वैसलीन, इस तरीके का पूरा पैक बनाया हुआ था। और मेक इन्होंने एक न्यू लॉन्च किया मेकअप सेटर, और यहाँ पे पूरे फाउंडेशन की रेंज थी। आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब लिपस्टिक के जैसे इसकी बॉटल आती है बहुत क्यूट सी, और उसके हिसाब से फाउंडेशन के शेड होते हैं, तो उसको चेक कर सकते हो, किसी को डार्क चाहिए लाइट चाहिए उस हिसाब से रहता है। और उसके बाद में इन्होंने ज्वेलरी भी अभी लॉन्च की हुई है गाइज। इस बार तो आप देख सकते हैं ये वॉचेस 299 के वॉचेस थी, मतलब इसमें बांधने वाली वॉचेस थी, आप इसको नॉट बांध सकते हो। और इसमें भी 4 से 5 कलर शेड थे, जिसमें कि पिंक, पिंकिश टाइप का, ब्लैकिश टाइप का। और ये जो आप हैंडी बैग देख रहे हैं, ये सारा मेकअप रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इजीली हम कैरी कर सकते हैं, और इसमें सारा मेकअप का सामान रख सकते हैं, मतलब इस टाइप के थे। तो ये भी अंडर 149 ऐसे कुछ बैग्स थे। और मेरे को तो सबसे ज्यादा यहाँ की वॉचेस बहुत ज्यादा ही पसंद आ रही, उनमें से नजर ही नहीं, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी वॉचेस थे। सिर्फ 5 से 6 कलर्स थे, और जो पैटर्न था वो भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की वॉचेस थी, मतलब इतनी ज्यादा क्यूट लगती है हाथों में। ज्वेलरी में इन्होंने इयररिंग्स लॉन्च किया हुआ है, नेकलेस आपको मतलब गले में चैन वगैरह पहनते हैं आजकल जींस और टॉप के साथ में, मतलब पूरी वेस्टर्न ज्वेलरी लाई हुई है इन लोगों ने, अगर कहना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे 49 में आपको कहाँ पे इयररिंग्स मिलते हैं, मतलब जितना भी ज्वेलरी का कलेक्शन था पूरा का पूरा वेस्टर्न कलेक्शन था। मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा सूट वगैरह नहीं पहनते, या आपको गले में लाइट सा कुछ आजकल जीन्स और टॉप में पहनना चाहिए, उस टाइप के ज्वेलरी थी। मतलब ज्वेलरी आपको 49-39 से स्टार्टिंग थी, मतलब आप देख सकते हैं नीचे पूरा कलेक्शन लगा हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था। हार्ट शेप की ज्वेलरी थी, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे लग रहा था कि अगर आप 200 रुपये भी लेके जा रहे हो तो 4 ज्वेलरी उठा के ला लोगे, इस टाइप का ज्वेलरी कलेक्शन था। तो जूडियो में बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है गाइस, तो फटाफट जाके आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे विजिट कर सकते हो। इन्होंने अभी जो लॉन्च किया है ज्वेलरी, ये काफी हद तक बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रही है। ये भी जो आपको दिखा रही है, हेयर बेल्ट नहीं है, ये ज्वेलरी है, आप गले में इसको पहन सकते हो, इस टाइप की ज्वेलरी है वो। सो बहुत ज्यादा ही प्यारे, मैं इसको शॉर्ट्स में आपको बता रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट कलेक्शन जो भी ब्रांड का है मैं आपको वो भी कलेक्शन दिखा पाऊं। फिर मेरी नजर पड़ गई थी इसमें जो डीओ थे, परफ्यूम थे, तो वुमेंस परफ्यूम, मेंस परफ्यूम दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट थे। तो बहुत ज्यादा उसमें भी आपको शेड दिखा रही हूँ मैं, आपको 3 से 4 शेड थे, और 3 से 4 शेड की जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत ही अलग थी, और बहुत ज्यादा ही सबकी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस था, इतना सुंदर लग रहा था। आप इसको भी यूज करके देख सकते हो, मैंने 1-2 फ्रेग्रेंस यूज भी किया, इतना प्यारा लग रहा था। मतलब होता है ना, किसी किसी को क्या होता है, एकदम से अपन यूज करो फ्रेग्रेंस ऐसी आती कि हेडेक हो जाता है, बट नहीं, इतनी लाइट फ्रेग्रेंस, मतलब धीमी धीमी चल रही थी, उस टाइप की फ्रेग्रेंस थी। डीओ में भी आपको माइल्ड टू मॉडरेट अलग अलग, अगर किसी को बहुत ज्यादा ही मतलब पसीना वगैरह आता है, बहुत ज्यादा ही उनका अच्छा नहीं रहता स्मेल, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे था। इसमें भी आपको 3 से 4 मतलब इसके मिल जाएंगे, और ये जितना कुछ दिखा रही हूँ अंडर 99 के ही डीओ है, तो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। बॉडी मिस्ट आप देख सकते, तो इसमें भी आपको 4 शेड मिल जाएंगे रेड कलर का, और इसमें जो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, व्हाइट कलर का, मतलब अलग अलग रेंज में आपको थे। तो इतना ज्यादा प्यारा लगा, मतलब इन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इन लोगों ने जो यूज करने वाली जो चीज रखी हुई है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छा है कि आप पहले देख सकते हो उसके बाद ले सकते हो। मैं मेन्स कलेक्शन भी वैसे लेके आने वाली, मेन्स में भी इन लोगों ने जूड़ियो में मेन्स का जो डीओ है, परफ्यूम है, ये भी सारा कुछ नया कलेक्शन लाया हुआ है, तो वो टू में आपको देखने को मिलेगा। ये जितना भी अभी मैं कुछ दिखा रही हूँ, डीओ, परफ्यूम, ज्वेलरी, ये सारा कुछ मैं आपको फीमेल कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन दिखा रही हूँ। सो मैं जूडियो ऐसे ही, मैं जस्ट मेकअप मुझे कुछ चाहिए था, इस वजह से मैं जूडियो विजिट करी थी। लेकिन मैं जूडियो में जब गई ना, तो उसके बाद मुझे जूडियो से निकलने में ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग गया, क्योंकि जूडियो में इतने प्यारे लॉन्चेस किए हैं अभी कि आपका भी मन नहीं भरेगा कि आप ये ले लो, वो ले लो, वो ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। और काफी सारे लोग तो जूडियो में इसलिए भी आ जाते हैं कि अगर उनको कहीं निकलना है तो फटाफट से मेकअप कर लो और यहीं से निकल जाओ, तो जूडियो में हमको ये भी बोलते ऑप्शन मिलता है। और फिर उसके बाद में जो इयररिंग्स है उस पर, इतने प्यारे इयररिंग्स लग रहे थे, मतलब आप सोच सकते हो 99 में आपको 3-4 पेयर इयररिंग्स मिल रहे थे, एक सिंगल इयररिंग्स नहीं था 149 में, 99 में आपको 3 से 4 इयररिंग्स थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ अलग डिजाइन के, कुछ बटरफ्लाई डिजाइन के, कोई हार्ट शेप डिजाइन के, मतलब इस टाइप में इयररिंग्स थे, जो कि बहुत ज्यादा ही प्यारे लग रहे थे। अगर हम बाहर शॉप में भी लेने जाते हैं
अगर इयररिंग्स तो हमको 20, 30, 40 रुपए के ऊपर नीचे तो कोई भी इयररिंग्स नहीं देता है। तो जुड़ियों ने ज्वेलरी लॉन्च करके इतना सुंदर किया है ना ये काम, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वापस से दिखा रही हूँ, ये आपको लग रहा होगा हेयर बेल्ट है, बट ये हेयर